हाय दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज वीडियो बना रहे हैं और हम दोनों दीदी अच्छा से रेडी होके रील्स सब बनाए आंगन में, क्योंकि आज 3 रोज से बारिश ऐसा हो रहा था, क्या बताएं आप सबको, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। घर में ऐसे बैठे बैठे रील्स बना लेते थे, बट आंगन का कोई भी काम नहीं हो पाता था। ऐसे तो हम कोई भी काम नहीं करते हैं, दीदी सब पूरा परेशान हो जाती थी काम धंधा करते करते। सब ज़्यादा तो मम्मी का पूरा हालत ख़राब हो गया है, आंगन सबका काम, इधर गाय भैंस का तो पापा जी ही करते हैं। घास भूसा जो भी चीज़ होता है, द्वार पका सारा काम पापा जी ही करते हैं, और जो थोड़ा बहुत होते हैं तो मम्मी जी भी सहायता कर देते हैं। ऐसे तो हम, मेरी तो भी फिलहाल तबीयत ख़राब है, इसलिए हम कुछ भी नहीं करते हैं। घर डॉक्टर जैसे बोले हैं कि 2 महीना रेस्ट करने के लिए, इसलिए। और अभी हम लोग आज थोड़ा सा सोचे कि घर में बैठे बैठे पूरा बोर हो गए थे, तो सोचे चलिए अच्छा से रेडी होके रील्स बना लेते हैं। क्या हुआ, मुझे रो रहे हैं? कौन मार दिया? झूठ बोल रहे हैं। क्यों मारे मम्मी? एक थप्पड़ दे दल गया ना। क्यों मारे? जरूर कोई गलती किया होगा। क्या क्या है जो धकेल दिए एक आदमी के, वो गिर गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दीदी जी अब जा रही है खाना बनाने के लिए, क्योंकि भैया घर में ही है, तो जाइए। और इधर देखिए, हमारे हस्बैंड आज कपस कपस के बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, धकेल देते हैं किसी को। बताइए, बारिश है आंगन में, इतना ज़्यादा कजली हो गया है कि क्या बताएं आप सभी को। ऐसे तो आप लोग शॉर्ट वीडियो में जाके देखिएगा, बहुत ज़्यादा पिछड़ा हो गया। और ये इतना उचक्कर की जैसे करते हैं कि क्या बताएं, किसी को धकेल देते हैं। दीदी रील्स बना रही थी, बड़ी वाली दीदी, तो उनको क्या किए जाके ऐसे, मतलब पानी बगीचा में थे, कुर्सी पे पानी था और धकेल के उस पर उसका देह पे पानी दे दिया, साड़ी भी भिंगा दिए। चक्कर के जैसे काम किए ना आंगन में भी। क्या किए, जो कादा बोलते हैं हम लोग देहाती में, कीचड़ जो होता है, वो कीचड़ पैर से उछाल के उनके साड़ी पे दे रहे थे, तब जाके दीदी भागी। कहा ना जाइएगा घर, वो चक्कर वाला काम करेंगे तो इनको मारेंगे नहीं, बताइए आप ही लोग। तो दोस्तों, इन चक्कर के जैसे काम किए तो इनको मम्मी जी अभी मारे, मम्मी जी डांटे, बहुत अच्छा हुआ। आपको मारे बताइए दोस्तों, क्या बोल रहे हैं जवान लड़का? आप तो बोलते हैं हम बच्चे हैं, तो फिर जवान कहाँ से हो गया? आप तो अपने खुद ही मुंह से बोलते हैं बच्चे हैं, इसलिए ना मार देते हैं। अब देखिए, हमसे फिर उठ के जा रहे हैं। पहले बहुत अच्छा उधर से लगा ला, ये भी घर इधर से लगा ला। आप जाइएगा किस हो के जाइएगा, जाइए। ये भी घर लगा हुआ है, ये भी घर लगा हुआ है, घर खुल गया। अब अल्लाह कर रहे हैं। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए द्वार पे कितना ज्यादा कीचड़ है, पानी लगा हुआ है, गाय भैंस सबका जो है ना, घर इतना ज्यादा मतलब कीचड़ से भरा पड़ा है कि क्या। हम लोग गए थे रोड की तरफ घूमने के लिए, और उधर से इतना ज़्यादा भीड़ लग गया कि हम लोग वहाँ से फिर तुरंत चले आए, क्योंकि मम्मी जी डांटते रहती है, बोलते कहीं नहीं जाने, इसलिए नहीं जाते हम। और मम्मी जी आंगन में थी, खा रही थी खाना, इसलिए हम लोग चले गए। और घर ऐसे भी दोस्तों, पता नहीं तबीयत खराब हुई या कुछ भी, घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए चले गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए। और थोड़ा दूरी पे ही तो गए थे, क्योंकि इधर बारिश के कारण इतना ज़्यादा पानी लग गया है गड्ढा उड्ढा में, मत पूछिए। एक पोखर है साइड में, उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो गया है, वही सब गए थे देखने के लिए। ऐसे तो देखे हैं वीडियो में, बहुत जगह बाढ़ आ गई है कि घर में रहने के लिए जगह नहीं है। इधर भी आज 2-3 रोज से बारिश थोड़ा सा भी छूट नहीं रहा था, को लगा कि शायद इधर भी बारिश ना होने लगे। अब चलिए दोस्तों, हम बैठे बैठे कितना अकेले बोलेंगे, हमारे हस्बैंड जी इधर रो रहे हैं, और देखते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। देखिए यहाँ पे अंधेरे में कोना में बैठ के रो रहे हैं, कैसे लग रहा है? काहेल कोना में बैठ के रो रहे हैं, चुपिए। अच्छा चुपिए, न मारेंगे, चुपिए। उठिए, चलिए देखिए दोस्तों, अब क्या कैसे मनाए, चुपिए, चलिए आ जाओ। ये रो रहे हैं कि नाटक कर रहे हैं ये। तो चलिए दोस्तों, आप लोग इसी तरह बने रहिए हमारे ब्लॉग में, वीडियो में, तो आप लोग को इसी तरह और दिखाते हुए इनको शांत करवाते हैं, फिर ये आप लोग से शेयर करेंगे।